व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार टॉपिक है। टाइटल है सीबीआई, जिसको बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये वही सीबीआई है, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे 2G स्कैम हो, या कोई रेप केस हो, या कोई मर्डर केस हो, या कोई ऐसा क्राइम हो हमारी सोसाइटी में जो बहुत लार्ज स्केल पर इम्पैक्ट डाला है। हर वो केस जो इस तरीके की स्टेज पर पहुंच जाता है, डायरेक्ट बुला लिया जाता है सीबीआई को। क्यों? क्योंकि सीबीआई एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग विंग्स है जिसको आप बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स के हाथ में चला जाता है तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही जाता है, अगर सीबीआई के डायरेक्टर या फिर उसके डिपार्टमेंट में ही कोई खराबी न हो, वही कोई लालच में न आ जाए तो केस को अंजाम तक ये पहुंचा ही देते हैं। तो आज इसी सीबीआई के हम कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस को जानेंगे, कौन यहाँ पर डायरेक्टर होता है, किस तरीके से उसका चयन किया जाता है, कौन कौन से एरिया में ये वर्क करते हैं, और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए खासकर सीबीआई के बारे में। ये है यहाँ पर सीबीआई का लोगो, आप लोगों को दिख रहा होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है। बीच में ये लिखा है, यहाँ पर आप लोगों को सत्यमेव जयते दिख रहा होगा, एम्बल है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। तो ये कंप्लीट लोगो हो गया सीबीआई का, ओके। और ये हो गया सीबीआई का ऑफिस। पर लेकिन जिस सीबीआई के बारे में हम डे बाय डे इतना कुछ सुनते हैं, न्यूज में भी या कहीं पे भी आप लोगों को सुनने को मिलता है, आप लोग बड़े ही आश्चर्यचकित होंगे जानने के बाद में कि इस सीबीआई को हैंडल करने के लिए कोई प्रॉपर खुद का सीबीआई का एक्ट वगैरह नहीं है कि हाँ ये एक्ट हमने बना दिया है कि इस हिसाब से अब सीबीआई को हैंडल किया जाएगा। सीबीआई जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के हिसाब से इसको टैकल किया जाता है। जी हाँ, पर्टिकुलर सीबीआई के लिए कोई ऐसा एक्ट नहीं बनाया गया अलग से कि हाँ सीबीआई को ही फॉलो करके चले और सीबीआई के ही इंप्लीमेंटेशन की बात वहां पर की जाए, ओके। आगे बात कर लीजिए सीबीआई के बारे में, तो इसका गठन जो किया गया था वो किया गया था 1963 में इसका सेटअप किया गया था। 1963 में ये थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई चीज गवर्नमेंट के अंडर में रहती है तो गवर्नमेंट कोई भी आए, चाहे कोई बीजेपी हो, चाहे कोई कांग्रेस गवर्नमेंट हो, या इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट हो, वो क्या करती है, सीधा सीधा काम ये करती है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग अगर विंग्स है तो उसको अपने कंट्रोल में किसी न किसी तरीके से रखा जाए। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई केस इनसे रिलेटेड आता है, मिनिस्टर से रिलेटेड, या फिर अपना खुद का कोई मैटर आता है, उसको तो दबाया जाता है, और अगर किसी बाहर का कोई मैटर रहता है, अपोजिशन से रिलेटेड या किसी को भी, उसको उठाया जाता है। तो इस तरीके से अपने आप इसको यूज न कर सके ज्यादा है। तो इसीलिए पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में थी, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर में। तो ये भी आप लोग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं। और ये कमेटी का नाम जरूर याद रखिएगा, इस कमेटी का नाम पहले भी आ चुका है, आप लोगों को बताना है पहले मैंने किस एजेंसी के गठन में इसका नाम आप लोगों के सामने लिया है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर आप लोग लेक्चर को ढंग से सुन रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दे पाएंगे। और मैं हमेशा क्वेश्चन वही पूछता हूं मैक्सिमम जो आप लोगों को पीछे पढ़ा चुका होता हूं, जिससे कि आप लोगों का रिविजन भी होता रहे, ओके। तो कमेटी का नाम जरूर याद रखिएगा यहाँ पर। तो सतनाम कमेटी है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो क्या टाइम पीरियड इसका क्या था, 1962 से 1964 को, और उसके बीच में फिर आप लोगों यहाँ पर सीबीआई का गठन देखने को मिला 1963 के अंदर में। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जब सीबीआई का गठन हुआ उससे पहले कुछ था नहीं, उससे पहले भी था, उसको बोलते हैं स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। तो 1941 में उसका एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि डायरेक्ट मैं आप लोगों को बताया पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती थी, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिला 1963 में जब सीबीआई का गठन किया गया तो इसको भी उसी के अंदर मर्ज कर दिया गया, और इसके बाद में फिर आप लोगों को आज की डेट में ये सीबीआई यहां पर देखने को मिलती है, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। पर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, पर लेकिन इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो न्यू दिल्ली में नहीं है। वो कहाँ पे है उसके बारे में सब कुछ आप लोगों को लेक्चर के एंड में जानने को मिलेगा। सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है, वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक दूसरा एक्ट सेट किया गया और उसके बेस पर यहाँ पर सीबीआई को बनाया गया है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, जो वर्क करती है ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के हिसाब से काम करती है। और ये इसका मोटो हो गया, मोटो सिद्धांत होता है। आप लोग अपना कुछ सिद्धांत बना सकते हैं कि मुझे इस सिद्धांत पर चलना है, और इस सिद्धांत पर चल के जो मिशन मुझे अचीव करना है उसको लक्ष्य बोला जाता है, मिशन या लक्ष्य। तो मोटो में और मिशन में दोनों में डिफरेंस समझना है। मोटो एक सिद्धांत है, एक रास्ता है चलने का, और ये मिशन आप लोग बोल सकते हैं फाइनल डेस्टिनेशन है जहां तक मुझे पहुंचना है। तो मोटो और सिद्धांत में ये मोटो और मिशन में आप लोगों को डिफरेंस रखना है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स की एक ही लग रहा है ये, ठीक है, तो एक नहीं होता ये। तो इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री या पार्शियलिटी या इंटीग्रिटी आप लोग बोल सकते हैं, ये हो गया यहाँ पर इसका मोटो। और जो मिशन हो गया, मिशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाए रखना है, उसका कोई उल्लंघन न कर दे। और जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो भी यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ पास किए गए हैं, या जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो भी लॉ है, जो भी मतलब प्रोविजन रखे गए हैं, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके उन सब चीजों को इंप्लीमेंट करना, और किसी भी तरीके से उनका उल्लंघन न हो हमारी सोसाइटी में, उस पर इनका फोकस रहता है मैक्सिमम।
और किस ढंग से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी करप्शन का केस आता है, कोई भी मर्डर रेप या कोई भी अलग केस आता है घोटाले से रिलेटेड, तो प्रॉपर वे में उसको इन्वेस्टिगेट करके सबके सामने असली दूध का दूध और पानी का पानी कर देना ही इसका काम होता है। इसके अलावा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो पुलिस होती है, स्टेट पुलिस आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि पुलिस जो होती है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है। तीन लिस्ट होती है हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि आप लोगों को पता है सबको, सेवन शेड्यूल में इतनी बार रिपीट कर चुका हूं, अब तो आप लोगों को रट भी गई होंगी। तो उनको एक तरीके से अगर कोई मैटर आता है वहां पर रिलेटेड, तो क्या करता है, उनको साथ देता है, उनका डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से केस को सोल्व किया जा सकता है। तो बहुत सारे केस आप लोगों को डे बाय डे में देखने को मिलते होंगे, पहले पुलिस के पास में रहते हैं, पर लेकिन जब जनता का दबाव आता है कि हाँ पुलिस जो है उसमें घोटाला कर रही है, पुलिस ढंग से उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि वो स्टेट की एजेंसी है, तो तब पिक्चर में आती है सीबीआई, और सीबीआई पिक्चर में आके फिर केस को सोल्व करती है, तो वहां पर भी इसका काफी यूज होता है। इसके अलावा आप लोगों को जानने को मिलता होगा कि जो भी कुछ भी बात हो रही है इंटर स्टेट से रिलेटेड एक दूसरे के बीच में, या फिर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, तो वहां पे ये इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की जब बात आती है, या लाइन फोर्स करने की बात आती है, मान लीजिए कोई इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्स करना है, वहां पर भी अगर कोई प्रॉब्लम देखी जाती है तो भी यहां पर सीबीआई आप लोगों को पिक्चर में आती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इसके बारे में ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के बारे में तो आप लोगों को याद रखनी है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आती है। सीबीआई की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या इसके अंडर में किस किस एरिया में ये काम करते हैं आप लोग देखने को मिलेगा। यहाँ पर करप्शन से रिलेटेड कोई मैटर निकल के आता है, वहां पर सीबीआई पिक्चर में आ जाती है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस आप लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पर मालवीय जैसा केस आ जाता है अगर, वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर पॉलिसी या फिर इंटरनेशनल पॉलिसी से रिलेटेड कोई कॉपरेशन से रिलेटेड डिविजन की कोई बात आती है, वहां पर सीबीआई पिक्चर में आ जाती है। कोई स्पेशल क्राइम हो जाता है आप लोगों को आसपास में देखने को मिलता होगा, नॉर्मली रेप वगैरह हो गया, मर्डर वगैरह हो गया, तब भी सीबीआई यहाँ पर पिक्चर में आती है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई केस है, या फिर डायरेक्टर और प्रोसिक्यूशन, तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर इसके अलावा सेंट्रल फोर्स, अगर सेंट्रल की देखिए कई सारी बात क्या होती है, आप लोगों को क्राइम तो हो जाता है पर लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाता है, तो जब इस तरीके से सोल्यूशन निकालने की बात आती है, तो फोरेंसिक जो लेबोरेटरी होती है, आप लोगों ने सुना होगा फोरेंसिक लेबोरेटरी के लिए भेज दिया गया है कोई भी सैंपल उठा के, तो वो भी इसका एक तरीके से एक विंग होती है, एक डिपार्टमेंट होता है जी। अगर कोई भी इन एरिया के अंदर कोई मैटर आता है तो वहां पर सीबीआई पिक्चर में आ जाती है। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग डिवीजन हो गया, जहां पर अगर कोई मैटर पहुंचता है तो वहां वहां सीबीआई पिक्चर में आ जाती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है सीबीआई की, जहां जहां अलग अलग एरिया अगर कोई एंटी करप्शन से रिलेटेड कोई मैटर आ रहा है तो वहां पर इस डिवीजन के अंदर जाएगा, ये उस मैटर को देखेंगे। अगर कोई स्पेशल क्राइम आ रहा है तो वह यहां पर आएगा। पॉलिसी या फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन से रिलेटेड कोई मैटर आ रहा है तो इसके अंदर पहुंचेगा। तो अलग अलग डिवाइड कर रखा है मैटर को, ठीक है ना, तो किस किस एरिया में कौन कौन सा डिपार्टमेंट वर्क करेगा इसके डिवीजन के अंदर का, वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टोटल यहां पर 7 डिवीजन इसके बना रखे हैं, जिसके हिसाब से काम करते हैं। बात कर रहा हूं आज की 2017 के अंदर की, ठीक है। आगे फ्यूचर में अगर कोई अमेंडमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा तो तब फिर मैं अपडेट करके आप लोगों के लिए नया लेक्चर लेके आऊंगा। अभी फिलहाल जो आज की डेट तक है तो यही अवेलेबल है यहां पर चीजें इससे रिलेटेड। जब बात आ गई इतने सारे मैटर की, तो आप लोगों को यह भी देखने को मिलेगा कि फिर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कंपोजिशन होगी होगी, ऐसा तो है नहीं कोई सिंगल बंदा बैठ के यहाँ पर रजनीकांत के रोबोट की तरह अकेला सबको चला रहा होगा। इसका मतलब एक पूरा डिपार्टमेंट होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉपर वे में वर्क करती है, बहुत सारे यहाँ पर वर्किंग डिपार्टमेंट भी होगा। तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कंपोजिशन ऑफ सीबीआई के अंदर। तो सबसे पहली बात तो डायरेक्टर है, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है सीबीआई का, तो सबसे ऊपर टॉप पे हेड पे हो गए यहाँ पर डायरेक्टर। इसका सिलेक्शन कैसे होता है वो सारी बातें आप लोगों को आगे भी जानने को मिलेगी। इसके साथ में यहाँ पर स्पेशल डायरेक्टर्स भी रहते हैं और एडिशनल डायरेक्टर्स भी रहते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर्स भी रहते हैं और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स भी रहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर सुप्रिंटेंडेंट्स ऑफ द पुलिस एंड अदर पुलिस पर्सनल्स भी रहते हैं। तो पूरा सीबीआई की आप लोगों को यहाँ पर टीम देखने को मिलेगी, लगभग 5000 स्टाफ का मेंबर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 5000 यहाँ पर मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा और 125 फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं जो कि फोरेंसिक लैब को देखते हैं और 250 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लॉ ऑफिसर्स हैं। तो मतलब अगर कोई भी मैटर आ रहा है निकल के तो सीधा सीधा मतलब ये है कि ज्यादा बाहर से इनको ज्यादा मतलब बाहर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, सब कुछ इनके इंटरनल ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब कुछ आप लोगों को अवेलेबल यहां पर मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरीके से आप लोगों ने वर्ड सुना ना प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट वहां पर एक वर्ड है, पर लेकिन प्रेसिडेंट ऑफिस होता है पूरा, बहुत सब कुछ आता है उसके अंदर। इसी तरीके से जब मैंने आप लोगों को प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो वो सारी बातें वहां पर बताई थी। जिस किसी ने पुराने लेक्चर नहीं देखे, सारे लेक्चर के लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे। अगर कोई नया स्टूडेंट यहां पर आज की डेट में इस वीडियो को देख रहा है तो सारी वीडियो लगभग 80 लेक्चर है, आप लोगों को सबकी जो प्लेलिस्ट में नीचे मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहां पर सीबीआई के जितने भी सारी स्टाफ होते हैं उनके बारे में जहां ट्रेनिंग होती है वो सारी चीजें आप लोगों को नीचे जानने को मिलेगी आगे लेक्चर में।
और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है या फिर सीबीआई का जो वर्किंग प्रोसेस होता है उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। एक तो काम करता है डेली एस्टेब्लिशमेंट पुलिस, डेली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से, और दूसरा वर्क करता है सीबीसी के। सीबीसी में आप लोगों को अभी 2-3 दिन पहले ही अभी आप लोगों का कंप्लीट लेक्चर लिया था, ये भी नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा पूरा, आप देख सकते हैं वहां पर जाके। सीबीसी के बारे में भी आप लोगों को जानने को मिलता है, वहां पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसका टेन्यूर होता है 2 साल का, यहाँ पर बताया जाता है सीबीआई डायरेक्टर का। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए जो सीबीआई का डायरेक्टर होता है उसको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस के इक्विवेलेंट माना जाता है यहाँ पर, ठीक है, जो इसका जिस तरीके से यहाँ पर ये अपना वर्क करता है, जिस तरीके से आप लोग वहां पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को देखते हैं, सेम काम यहाँ पर सीबीआई का आप लोग बोल सकते हैं, कंप्लीट हेड यहाँ पर सीबीआई होता है, सीबीआई का डायरेक्टर होता है उसी तरीके से। अब जब मैं आप लोगों को सीबीसी का लेक्चर बता रहा था वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कई सारी चीजें तो स्टार्टिंग से चली हुई आ रही थी, पर लेकिन जब सीबीसी आया कुछ तो चेंजेस उस टाइम पर हुए थे, और कुछ चेंजेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिले जब लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 आया। अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चला था 2011 में, आप सभी लोगों को पता होगा। 2011 के बाद में जब यहाँ पे बात आने लगी कि लोकपाल बनाना है हम लोगों को, तो लोकपाल बनाने के बाद में जब बात आने लगी तो उस टाइम पर चेंज किए गए, और कहीं ना कहीं सीबीआई देखिए एक बहुत ही ताकतवर एजेंसी है, तो उसको एक पिंजरे का तोता न बनाकर रखा जाए, उससे रिलेटेड कई सारी बातें फिर यहाँ पर निकल के आई, ठीक है, कई सारे अमेंड किए गए यहाँ पर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत 1946 में। तो क्या क्या चीजें थी वो आप लोगों को नीचे जानने को मिलेगी। सबसे पहली बात है यहाँ पर अपॉइंटमेंट की, जब बात आती है कि सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो वो आसानी से नहीं होता है, कई सारी चीजें वहां पर ध्यान रखनी होती है। अपॉइंटमेंट करने के लिए जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो 3 मेंबर की कमिटी होती है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। पहला कौन होता है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर होता है एज ए चेयरपर्सन, दूसरा होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आगे और जानने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता है, तो उस टाइम पर क्या किया जाए, वो भी आगे चल के अमेंड किया गया, उसको भी चेंज किया गया, वो आप लोगों को आगे जानने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भी जो नॉमिनेटेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, वो पर्सन होता है। तो टोटल 3 मेंबर की कमेटी होती है यहाँ पर जो डिसाइड करती है कि कौन यहाँ पर आज की डेट में सीबीआई का डायरेक्टर बनने वाला है। तो तीनों मेंबर की कमेटी के तीनों पर्सन आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बातें पूछ ली जाती है। अब बात आ रही है आगे चल के, दूसरा अमेंडमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हेडेड बाय डायरेक्टर। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर भी कोई डायरेक्टर बिठाना है, किस तरीके से यहाँ पर मतलब इसके सुपरविजन को करेगा, क्या 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 चीजें यहाँ पर हो रही है, मतलब फालतू के उल्टे सीधे काम ना करना स्टार्ट कर दे, तो उसका भी देख रेख यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब सीबीआई एक तरीके से इंडिपेंडेंटली वर्क करे, तो उसके अंडर भी कुछ बातें यहाँ पर लोकपाल और लोकायुक्त के एक्ट का जो 2013 है वहां पर बात की गई। और जब डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन इसकी बात की जाती है तो बात क्या आती है यहाँ पर कि वो बिलो रैंक नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी का मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए जिसको अपॉइंट किया जाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, उससे निचली रैंक का यहाँ पर नहीं होना है अगर यहाँ पर इस पोस्ट पर किसी को बैठाना है, डायरेक्टरेट की पोस्ट पर अगर किसी को आप लोगों को बैठाना है तो। इसके अलावा अब तो ये तो बात हो गई डायरेक्टर की, बात चली थी और डायरेक्टर की, इसके आगे अगर हम दोनों को देखने को मिले कि अपॉइंटमेंट करना है ऑफिसर, मतलब दूसरे ऑफिसर जो है यहाँ पर अगर उनको अपॉइंटमेंट करना है यहाँ पर, तो तब क्या बात आती है, मान लीजिए एसपी रैंक के हैं या फिर उससे ऊपर है, तो सीबीआई उनके लिए रिकमेंडेशन यहाँ पर किसकी रिकमेंडेशन लेगी, तो सबसे पहले पिक्चर में आता है सीबीसी, उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में जिक्र किया था, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है ना, तो ये चेयरपर्सन होगा यहाँ पर। इसके अलावा विजिलेंस कमिश्नर यहाँ पर मेंबर होंगे सेक्रेटरी ऑफ होम एंड द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, तो ये पर्सन होंगे जो कि यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर और दूसरे स्टाफ में कौन कौन रहना चाहिए। ओके, तो मतलब ये है कि एक प्रॉपर वे में पूरा इसको अपॉइंट किया जाता है, क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत एरिया में ये अपना इंपैक्ट डालने वाली होती है सीबीआई। और ये अमेंडमेंट भी आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिला जब मैंने आप लोगों को अभी पीछे बताया था कि अगर मान लीजिए कोई लोकसभा में अपोजिशन का लीडर नहीं है उस टाइम पे क्या किया जाए भैया, उस टाइम की बात ये है कि अगर लोकसभा का स्पीकर लोकसभा में अपोजिशन का लीडर नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर लीडर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो उसको यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह पर ले जाना है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है तो अपने आप ही मनमानी करके आप लोग अपने हिसाब से काम कर लेंगे, नहीं, उस टाइम पर यहाँ पर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है यहाँ पर उसका आप लोगों को यहाँ पर बंदा है जो उसका वहां पर लीडर है पार्टी का उसको यहाँ पर आप लोगों को लेके चलना है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है तो खाली पोस्ट है तो इसका अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, इसका तो मतलब ये होगा ना, अगर कोई पार्टी नहीं अपोजिशन में तो इसका मतलब सीबीआई की पोस्ट पर किसी को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, अपॉइंट किया जाएगा, पर लेकिन कंडीशन क्या है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का यहां पर जो लीडर है वो होगा। आइए अब जानते हैं सीबीआई के फंक्शंस क्या क्या हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को एक लार्ज स्केल का फंक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको बांध रखा है कि आपको बस यहीं पर फंक्शन करना है, ठीक है,
तो प्रॉपर वे में हम इसको डायमेंशन नहीं दे सकते कि यहां पर ही सीबीआई वर्क करेगी। बहुत एरिया यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई भी करप्शन का, ब्राइबरी का या फिर मिसकंडक्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय के द्वारा अगर केस आ रहा है तो वहां पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कस्टम या फिर सेंट्रल एक्साइज इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर आ रहा है, सीबीआई तुरंत पिक्चर में आ जाती है। वहां पर सीरियस क्राइम किया गया है कोई भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर तो उसका असर देखने को आप लोगों को मिलता है, तो वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि सीबीआई पिक्चर में आ जाती है। मतलब जो बड़े बड़े आप लोग इंटरनेशनल लेवल के क्रिमिनल नहीं है, दाऊद इब्राहिम वगैरह ले लीजिए या फिर कोई भी इस तरीके का जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है वहां पर सीबीआई पिक्चर में आ जाती है अगर उसका असर आप लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेट करती है किसके साथ में, एंटी करप्शन एजेंसीज है जितनी भी आप लोगों को देखने को मिला अभी सीवीसी, ठीक है ना, तो उनको भी यहां पर ये इसका सपोर्ट देखने को मिलता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके अलावा आप लोगों को अलग अलग स्टेट की जो पुलिस फोर्सेज है, मतलब जैसे आप लोगों को यूपी पुलिस देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र पुलिस देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश पुलिस देखने को मिलेगा, तो ये जो पुलिस है इनके अंडर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर भी ये कोऑर्डिनेट करती है मैटर को सॉर्ट आउट करने में अगर इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ गया है पब्लिक के ऊपर। ठीक है, रिक्वेस्ट अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट करेगी भैया मैटर जो है हमारे हाथ से बाहर निकलता जा रहा है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो भी गवर्नमेंट अगर स्टेट यहां पर रिक्वेस्ट करे तो तब भी इसको यहां पर पब्लिक इंपोर्टेंस से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो तब भी यहां पर इन्वेस्टिगेशन इसको दी जाती है। क्राइम से रिलेटेड कोई स्टेटिक्स है, ठीक है ना, तो उसका भी प्रसार किया जाता है यहाँ पर, डिसेमिनेशन किया जाता है, मतलब सबके सामने रखा जाता है, प्रसार किया जाता है। क्रिमिनल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है जिससे कि उनकी जो स्टेट एजेंसी है या फिर कोई दूसरी एजेंसी है अगर कोई अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उनके पास में डेटा रहे, उसको अच्छे से यूज कर सके। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे किडनैपिंग, मर्डर, रेप, इस तरह के केसेस अगर हो जाते हैं और लार्ज स्केल पर सोसाइटी में ऐसा दिख जाता है कि बहुत बड़ा स्केल पर पहुंच गई है चीजें, तो तब भी यहां पर पिक्चर में आ जाता है सीबीआई और या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और या फिर रेफर किया जाए किसके द्वारा, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो तब भी सीबीआई पिक्चर में आ जाती है। इससे आपको लोगों को एक चीज देखने को मिल गई होगी यहां पर कि सीबीआई अगर पब्लिक इंपोर्टेंस का कोई भी मैटर है तो वहां पर सीबीआई पिक्चर में आ जाएगी, तो इसका मतलब सीबीआई के हाथ बंधे नहीं है, सीबीआई को एक खुला शेयर है अगर उसको ढंग से काम करने दिया जाए तो। ये इंफॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात आती है किसी इंटरनेशनल लेवल पर क्राइम की तो इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका आप लोग बोल सकते हैं कि सीबीआई उसकी एक विंग है एक तरीके से, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा क्राइम आता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है और उनको साथ चाहिए सीबीआई का, इंडिया में अगर कोई इस तरीके का मैटर दिखता है या फिर आसपास लेवल में तो उनको अगर सीबीआई का साथ चाहिए तो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो का काम करती है यहां पर सीबीआई इंटरपोल के साथ में मिलके, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। थोड़ा टाइम निकाल के अगर टाइम लगे आप लोगों को इंटरपोल के बारे में जरूर पढ़िएगा, कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी। अब कई सारी बातें निकल के आती है जो आप लोगों को जानने को मिलती होगी कि सीबीआई आखिर वक्त तो करना स्टार्ट कर देती है पर लेकिन कई केस ऐसे हैं जहां पर इनको क्या करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। पहले क्या था, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे कि अच्छे रैंक के जो ऑफिसर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह या फिर अबोव उससे रैंक का अगर कोई ऑफिसर है तो क्या करना पड़ता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर वो करप्शन में संलिप्त पाए जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। पर लेकिन ऐसा जो था यहां पर सुप्रीम कोर्ट का 2014 का केस आया और उन्होंने इसको इनवैलिड करार दे दिया, क्योंकि अगर बात करी जाए प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो कई सारी बातें निकल कर आती है कि सीधा सीधा ये वायलेट कर रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल, वो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 14, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कई सारी चीजें वायलेट कर रहा है यहां पर। क्या है इस आर्टिकल के अंदर, सारे फंडामेंटल राइट अच्छे से पढ़ा चुका हूं, एक एक लेक्चर एक एक आर्टिकल पे भी लिया है मैंने, सारे बहुत सारे लेक्चर मैंने ले रखे हैं, प्लीज इनको जरूर देखेगा। जिसको अपनी कंट्री के फंडामेंटल राइट आप लोगों को पता होना चाहिए कम से कम, जो हमको दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्रोटेक्शन की बात आती है कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम किसी की क्रिएट कर रहा है कहीं पर भी तो इंक्वायरी ये नहीं है कि एक के खिलाफ चला दी और दूसरे के खिलाफ नहीं चलाई, तो कहने का मतलब क्या गया कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यहां पर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी को तो उसी क्राइम के लिए उसी को सूली पर चढ़ा दिया और दूसरे वाले को कुछ भी नहीं किया, तो इसीलिए यहां पर वायलेट हो जाता है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए बोला गया था कि ये गलत सिद्धांत है यहां पर कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक है उनको यहां पर इससे बाहर रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये बात निकल कर आई थी, तो जो सेक्शन सिक्स ए था इसका, उसके बाद उसके हिसाब से यहाँ पे बात बोली गई थी कि अगर केस आता है तो ये इस तरीके से वायलेशन ना हो 14 जो यहां पर आर्टिकल है, तो इस तरीके से बेंच ने बोला था कि ये सही नहीं है, ओके। और अगर आप लोग इस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी कराते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो 1988 है उसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता है फिर, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है जो आप लोगों ने एक्ट बना रखे हैं और इस तरीके से आप लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं अगर वो यहां पर कोई करप्शन कर रहे हैं तो ये भी बात यहां पर पिक्चर में आती है। अब बात देख लेते हैं थोड़ी, देखिए एक साइड में हो गई सीबीआई और एक साइड में हो गई स्टेट पुलिस, ठीक है, तो किस तरीके से दोनों में एक तरीके से डिफरेंस रखा जाता है।
तो आप लोगों को मैंने बताया था कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो भी सीबीआई के अंडर ही डाल दी गई थी जब सीबीआई का गठन किया गया, तो इसका एक डिवीजन इसको बना दिया गया। तो यहां पर बात क्या की जाती है कि देखिए डुप्लीकेशन न हो यहां पर केसेस का, तो इस तरीके से यहां पर अवॉइड किया जाए ओवरलैपिंग को, यहां पर काम किया जाता है। अगर कोई मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ से या एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है, भले ही उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो, तो वहां पर आप लोगों को सीबीआई पिक्चर में देखने को मिलेगी, ठीक है। पर लेकिन अगर कोई मैटर यहां पर स्टेट पुलिस का है और भले उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉय भी हो, तो वहां पर स्टेट पुलिस आप लोगों को पिक्चर में देखने को मिलेगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई मैटर है और भले ही स्टेट गवर्नमेंट भी वहां पर पिक्चर में आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट के इंप्लॉय भी, तो वहां पर सीबीआई ही काम करेगी अगर सेंटर से लीड है। अगर स्टेट पुलिस की बात आती है तो स्टेट पुलिस के इंप्लॉय वहां पर होने चाहिए और भले ही वो सेंटर भी इन्वॉल्व हो, किसी न किसी सेंट्रल के इंप्लॉय भी इन्वॉल्व हो, तो वहां पर स्टेट पुलिस ही काम करेगी। मतलब सेंटर का काम सेंटर करेगा और स्टेट का सेंटर का काम सीबीआई करेगी और स्टेट का काम स्टेट पुलिस करेगी। इसके अलावा अगर कोई केस ऐसा आता है कि मतलब जो इंप्लॉय उनके अगेंस्ट में आता है, या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, पीएसयू वगैरह बोलते हैं, या फिर स्टैचुटरी जो भी बॉडी होती है उनसे रिलेटेड अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई केस आता है, तो यहां पर पिक्चर में सीबीआई रहती है। तो थोड़ा सा डिविजन किया गया जिससे कि ओवरलैप यहां पर न हो चीजों में, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा पीएसयू कहां रहते हैं, स्टेट में रहते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा ओएनजीसी किसी स्टेट में है या फिर बीएचईएल किसी स्टेट में है, तो वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर ऐसा नहीं है कि स्टेट पुलिस के अंडर में वो चीज आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है वो, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं स्टैचुटरी या फिर आप लोग पब्लिक अंडरटेकिंग, तो वो ये जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका भी यहां पर देख रेख कौन करता है, सीबीआई ही करता है। आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा सीबीआई एकेडमी के बारे में, ठीक है ना। देखिए हेडक्वार्टर की जब बात आती है तो वो है दिल्ली में, पर लेकिन अगर ट्रेनिंग की बात आती है वो है गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में, एनसीआर में ही पड़ता है ये, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल इसका जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 1996 से यहां पर वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। इसके अलावा 3 रीजनल ऑफिस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोलकाता में, मुंबई में और चेन्नई में। तो टोटल मिला के जो दिल्ली वाला है वो गाजियाबाद में आ गया है और बाकी का कोलकाता, चेन्नई और मुंबई आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वाला है जो मेन ऑफिस यहां पर गाजियाबाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहां पर इसका पिक्चर। इसके अलावा आप लोगों को अगर विजन की बात की जाए तो देखिए एक्सीलेंस इन द ट्रेनिंग फील्ड, मतलब एक्सीलेंस होने चाहिए क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में, प्रोसिक्यूट में या फिर विजिलेंस करने में, ठीक है। तो इस तरीके से इन तीनों फील्ड में आप लोगों को ये एक प्रॉपर वे में काम करते हुए नजर आएंगे। तो विजिलेंस मतलब सतर्कता वगैरह, अगर काम इस तरीके से हो रही है तो आप लोगों को काम देखने को मिलेगा। और शॉर्ट टर्म भी होते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग का पीरियड और लॉन्ग टर्म भी हो रहा है। शॉर्ट टर्म तो उसके लिए होता है, मान लीजिए कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज है या फिर उनके लिए करवाना है या फिर अगला कोई खुद से ही रिक्रूट करके उसको ट्रेन करना है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म भी होता है। तो दोनों ही तरीके यहाँ पर आप लोगों को ट्रेनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सीबीआई के बारे में हो गई। अगर लेक्चर देखिए पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए, उससे ये पता रहता है कि आप लोग लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, और अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी किया कीजिए, ठीक है, जिससे कि पता चले कि लाइक नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई और इंप्रूवमेंट किया जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, और चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए जिससे कि दूसरों को भी फायदा हो जाए, कम से कम अपनी कंट्री के बारे में सबको जानने को मिले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या वर्क कर रही है, ये चीजें दूसरों को शेयर भी कर दिया कीजिए, तब की सबको फायदा हो जाए, कम से कम अपनी कंट्री के बारे में सबको जानने को मिल जाए, ओके। और जल्दी ही आप लोगों को ये सारे लेक्चर जितने भी ले चुका हूं मैं, सारों की पीडीएफ भी आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगी। पीडीएफ आप लोगों को फेसबुक पे मिल जाएगी, है फेसबुक का पेज आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, या तो आप लोग यहाँ पर जाके इसको लाइक कर सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएगी, और या फिर टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ही जगह आप लोगों को मिल जाएगी। और सारे लिंक जो भी है आप लोगों को नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारे लिंक मिल जाएंगे। अपने आसपास सफाई रखिए जितना हो सकता है, पानी और पेड़ पौधों को भी सेव रखिए, और मिलजुल कर रहिए, खुश रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।